आपने मीठी सेवैया तो बहुत खाए होंगे फ्रेंड, क्या कभी चटपटी तीखी स्वादिष्ट ये नमकीन सेवैया खाए हैं और बच्चों को खिलाए हैं? अगर नहीं खिलाए हैं तो देर किस बात की, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, चलिए बनाना शुरू करते हैं ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे नमकीन सेवैया, जो कि बच्चे तंग करे घर में कुछ खाने को, तो आप इस तरह से बनाए नमकीन सेवैया जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला राई, आप पीला भी सरसों ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा, जीरा को भी हम चटकने देते हैं अच्छे से। जीरा चटकते हैं तब तक अच्छे से चला लीजिए इनको, थोड़ा सा हम चला लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा फाइन चॉप, 2 हरा मिर्च, बीच से कीड़ा लगा हुआ। यहाँ पर लेंगे प्याज चॉप, फाइन चॉप लिए हैं, और यहीं पर मिक्स साइड में लेंगे फाइन चॉप टमाटर, इनको सबको हम एक छोटा सा फ्लो भी, आपके पास ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल हो सकते हैं, सबको हम भूनते हैं पहले। वेजिटेबल को चलाते हुए हम यहाँ पर लेंगे 2 बड़े चम्मच मूंगफली, जो कि इनको साइड में हम भूनेंगे। इनके साथ में हम लेंगे 1 बड़ा गाजर को फाइन चॉप कर लिए हैं, साथ में ही भुजाएंगे। गाजर बड़ा लेट से भुजाते हैं। और यहीं पे लेंगे फ्रोजन मटर 2 चम्मच, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप कर लीजिएगा, साथ में इनको भी हम भून लेंगे। अब मूंगफली को हम एक साइड भूनेंगे तब तक हम वेजिटेबल को भून रहे हैं। साथ में हम करी पत्ता लेंगे 8 से 10, आपके पास है तो लीजिएगा, क्योंकि हम पहले नहीं लिए तेल में कि पूरा जल जाते हैं, तो बच्चों को खिलाना है तो थोड़ा सा इसीलिए साथ में ये भून जाएंगे। और मूंगफली को भी हम एक साथ भून लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 पिंच लेंगे हम काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम लेंगे यहाँ पर गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, सबको एक बार चलाइए। और नमक ले लीजिए, नमक हम ले लेते हैं इनमें, नमक स्वाद अनुसार 1/2 छोटा चम्मच। अब हम लेंगे इनमें लेमन जूस को भी हम, जब आप खट्टे चीज पका रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अल्मीनियम के बर्तन में ना बनाएं, नॉन स्टिक में, या तो स्टील के बर्तन में बनाएं। थोड़ी सी हल्दी लेंगे हम कलर के लिए और सबको हम चलाएंगे। अब हम ले लेते हैं पानी जरूर के अनुसार लीजिएगा, ये 1 कप पानी इनमें रखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे पानी करीब 2 गिलास, यानी कि 2 कप पानी, 2 कप पानी। पानी में थोड़ा सा हम उबाल आने देंगे, फिर हम इनमें सेवैया लेंगे। सेवैया आप मार्केट से भी ले सकते हैं, भुना हुआ आता है, हम घर में ही भून लिए थे, पहले से ही था हमारे पास, इनको 1 उबाल आने देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इनमें अच्छे से 1 उबाल आ गए हैं, चला ले एक बार इस तरह से। काफी सारा वेजिटेबल हम लिए हैं क्योंकि बच्चों को देना था। यहाँ पे हम सेवैया को घी में भूने थे, आप बिना घी का बिना बटर को भी फ्राई कर सकते हैं। हम सोचे बच्चे को देना है, थोड़ा घर का देसी घी में भून ले इनको, और बस अब 3 से 4 मिनट ढक के पकने दे, अच्छे से पक जाएंगे ये, तो हमारा नमकीन सेवैया तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 4 मिनट हो गए पूरे हमारा नमकीन सेवैया पकते हुए, तो देखिए कितना बढ़िया से पक गए, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है ना। हमारे बच्चे बाहर क्यों जाए, तो देखिए घर में इस तरह से बनाए हैं, तो अभी बना रहे हैं कब, तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ, और अब हम इनको प्लेटिंग करते हैं फटाफट। चलिए अब फटाफट इनको देर ना करते हुए सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहे हैं इनमें से, तो देखिए ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गए हमारे नमकीन सेवैया फ्रेश। और आपको देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।